जब हमने आगे पहले कोई भी पढ़ाई की होगी योग के अंदर, तो ये बहुत बेसिक इसके अंदर आता ही है। मैंने क्या किया है, मैंने ये पर्टिकुलर जो स्लाइड्स है उसके अंदर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा ये है कि 12 पॉइंट्स आर देयर कि भाई इसका कैलोरी पे, एक्सरसाइज की कैलोरी पे क्या इम्पैक्ट होगी, योगा की कैलोरी पे क्या इम्पैक्ट होगी, ऑक्सीजन लेवल का क्या होगा एक्सरसाइज के अंदर तो योग के अंदर क्या होगा। सो बहुत सिंपल सिंपल वे में, बहुत दो दो लाइन में बताया गया है। तो और उसके बाद चार या पांच लास्ट की जो स्लाइड है वो थोड़ा कंपैरिजन मस्कुलर सिस्टम पे क्या होगा, फिर हार्ट के ऊपर उसका क्या होगा, फिर इम्यून सिस्टम पे क्या होगा, ऐसे करके पांच स्लाइड उसकी लास्ट में है। ओके, तो आज का जो हमारा क्लास है, मैं चाहूंगा कि सब लोग स्क्रीन पे आ जाए। क्यों? क्योंकि आज का स्लाइड एक जन जैसे पहले धारा जी पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने व्हाट इज एक्सरसाइज, व्हाट इज योगा वो है, और डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज, डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ योगा वो है। तो मैं चाहूंगा एक एक करके एक एक व्यक्ति आएगा, एक स्लाइड पढ़ेगा और वो क्या समझा है उसको डिस्क्राइब करेगा। उसके बाद हम सब मिलके थोड़ा कुछ बोलेंगे उसके ऊपर, थोड़ा बोलेंगे यानी इफ यू फील दैट इफ देयर इज एनी एडिशनल पॉइंट टू ऐड इनटू इट वी विल ऐड टू इट। चलेगा? ओके ओके, चलो दैट्स नाइस। यस, सो धारा जी, ये जो सबसे पहला जो स्लाइड है ना, वो इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज एक्सरसाइज एंड व्हाट इज योगा। सो आप एक बार थोड़ा पढ़ लो और हमको थोड़ा समझा दो, बाकी के लोग भी है वो उस दौरान पढ़ सकते हैं। मे बी यू कैन रीड लिटिल लाउडली धारा जी। यस श्योर सर। डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड योगा, एक्सरसाइज एंड योगा बोथ इन्वॉल्व बॉडीली मूवमेंट्स, व्हिच इज व्हाई इट इज कॉमन फॉर एनी पीपल टू कंसीडर योग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड वाइस वर्सा। However, there are important distinctions between the two. दारा जी, आपने जैसे जो स्लाइड पढ़ी अभी, जो लाइन पढ़ी पहले है ना, मैं जब गोवा गया था सिखाने के लिए, उस समय जो लोग बाहर से आते पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए योगा इज लाइक अ जिमनास्टिक, बिकॉज एक तो उनकी बॉडी भी ऐसी होती है, तो उनके लिए वो ज्यादा फर्क नहीं है समझने में कि एक्सरसाइज और योगा का क्या फर्क है, बिकॉज वहां पे बाहर के तरफ जो भी चलता है ना, इट इज मोर लाइक अ रिग्रस काइंड ऑफ प्रैक्टिस, जैसे विन्यासा योग हो गया या अष्टांग योग हो गया या बिक्रम योग हो गया या ऐसे कुछ करके अलग अलग चार पांच स्कूल है जो फिजिकल फॉर्म पे ज्यादा फोकस करती है। और जब मैं गोवा में था तो उनको वो डिस्टिंक्शन लेके आना बहुत जरूरी था कि भाई पतंजलि जब बात करते हैं योग की तो वो क्या बात करते हैं, उनके हिसाब से जो डेफिनेशन आसन का है वो क्यों बोलते हैं कि स्थिर और सुखी हो जाना, वो क्यों बोलते हैं कि नहीं इतना स्ट्रगल ना करे, इतना स्ट्रेन ना करे कि बॉडी एट द एंड टायर्ड फील हो जाए, और सेकेंड कि भाई आसन के द्वारा ही हम अंदर जाएंगे, आसन हमारा बाहर का सर है, इट इज द अन्नमय कोश एंड विद द हेल्प ऑफ द आसन वी कैन गो टू द प्राणमय कोश एंड देन टू द मनोमय कोश एंड फर्दर बियॉन्ड। सो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट इनिशियली टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई आप जो कर रहे हो ना वो थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ है, लेकिन ये योग नहीं है, ये एक्सरसाइज है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हठ योग की तरफ आना पड़ेगा, थोड़ा ब्रीदिंग को रेगुलेट करना पड़ेगा, खुद को ही देखना पड़ेगा कि भाई मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, बॉडी ब्रेथ और माइंड के कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है। सो व्हेन यू स्टार्ट इम्पोजिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू देम, देन दे कैन रियली डिफरेंशिएट बिटवीन ओके दिस इज व्हाट इज आसन एंड व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर वाज अ मोर लाइक एन एक्सरसाइज। ओके ओके, सॉरी मैं बीच बीच में थोड़ा रोकते जाऊंगा धारा जी। नो, वी विल बी हैप्पी सर। What is exercise? Exercise refers to any physical activity or exertion which causes muscles and certain vital organs in the body to become energized. Most exercises also improve blood circulation, which is beneficial to a person's overall health. Furthermore, certain types of exercise are helpful in preventing illness or diseases by keeping unwanted weight off the body. Yes, okay. I have one question now. आप सब लोग हैं ना योग के, हम सब योग के ही है। एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? I believe कि एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन क्या है करनी चाहिए? सॉरी, कार्डियो थोड़ा होना चाहिए। कार्डियो होना चाहिए, ओके। तनिष्का जी कहते हैं कार्डियो होना चाहिए, ओके। और खाली कार्डियो होना चाहिए तनिष्का जी? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी थोड़ी जरूरी है। ओके, स्ट्रेंथ कार्डियो भी थोड़ा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी थोड़ी विद योगा। ओके, और कोई अभिप्राय? सर देयर शुड बी सम
कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिंपल आसना डिफिकल्ट आसना लाइकवाइज पर्सन वाइज वी हैव टू डिसाइड दैट व्हिच आसनास एंड प्रैक्टिसेस शुड बी गिवन ओके सो अकॉर्डिंग टू यू रुशाली जी यू आर टॉकिंग अबाउट के कार्डियो भी होना चाहिए आसन भी होना चाहिए और डिफिकल्ट आसन भी होने चाहिए बराबर ना हाँ रुशाली जी यस सर ओके एनीवन एल्स पुष्पलता जी कोमल जी प्रीति जी अर्चना जी श्रद्धा जी वॉकिंग भी होनी चाहिए सर वॉकिंग होना चाहिए तो कार्डियो होना चाहिए बराबर ना वॉक होगा तो कार्डियो के लिए काफी अच्छा है राइट ओके सूर्य नमस्कार हमारे कार्डियो के लिए हेल्प होता है क्या Does it work out like a cardio? में किए तो होता है फास्ट में किए तो होता है ओके ओके फाइन ओके फाइन अगर आज ही मुझे एक वीडियो मिला है जिसके अंदर श्री श्री रवि शंकर जी का अगर आपने देखा होगा आज के ही दिन पे वो पोस्ट हुआ है एंड ही इज गोइंग टू द जिम ही इज वॉकिंग ऑन द ट्रेडमिल ही इज डूइंग सम चेस्ट प्रेस एंड ही इज डूइंग सम वेट ट्रेनिंग एंड सो ऑन क्या देखो कैसा है combination of exercise and yoga can be a beautiful combination why I'm saying so because lot of time when we talk about yoga we mostly emphasize on one thing which is flexibility barabar na flexible kya hoga yoga se flexibility kya hoga yoga se flexibility lekin only flexibility doesn't work out of course there are certain practices in yoga which will also focus more on strength along with the flexibility or the sometimes so jaise कुछ कंपोनेंट है चार पांच कंपोनेंट है जो हमारे अगर बॉडी के अंदर उसको मिले वो तो बॉडी कैन बी कॉल्ड एज अ परफेक्टली हेल्दी बॉडी जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी है जो योग से आएगी फिर स्ट्रेंथ भी है राइट जो योग से भी आएगी लेकिन सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज से भी आ सकती है फ्लोर एक्सरसाइज है या वेट एक्सरसाइज है देन देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एजिलिटी बराबर योग के अंदर हमारी एजिलिटी बढ़ती है एक्सरसाइज के अंदर भी हम अपने एजिलिटी को बढ़ा सकते हैं ओके सो देयर इज कार्डियो देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी देयर इज स्ट्रेंथ देन देयर इज एजिलिटी दीज काइंड ऑफ थिंग्स टुगेदर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग दीज थिंग्स टुगेदर कैन वर्क रियली वेल फॉर ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ओके सो समटाइम्स एक्सरसाइज कैन प्ले अ लिटिल इंपॉर्टेंट रोल व्हाई आई एम सेइंग सो बिकॉज देयर आर समथिंग व्हिच इज कॉल्ड सिंपल फ्लोर जैसे आप जैसे मैं लास्ट टाइम मैं ये डिस्क्रिप्शन दे रहा था सूर्य नमस्कार का और मैंने लास्ट टाइम दो चीज की बात की थी सूर्य नमस्कार ए और सूर्य नमस्कार बी याद है आपको वो सूर्य नमस्कार ए और बी और मैं कह रहा था कि यूजुअली हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये वाले प्लेन के अंदर ज्यादा फोकस करते हैं बराबर ना लेकिन सूर्य नमस्कार ए और बी के अंदर हाथ की मूवमेंट ऐसी है और उसके अंदर थोड़ा सा जंपिंग होता है उसके अंदर वॉरियर वन होता है और उसके अंदर चार पोजिशन स्पेशली सूर्य नमस्कार टू के अंदर या बी के अंदर चार पोजीशन तीन बार रिपीट होती है वो चार पोजीशन क्या है वो चार पोजीशन है प्लैंक और फिर आप नीचे जाते हो जिसको कहेंगे लो प्लैंक या चतुरंग दंडासन तो दंडासन है चतुरंग दंडासन है फिर ऊर्ध्वमुख श्वानासन है ऊर्ध्वमुख और भुजंगासन में ये फर्क है कि भुजंगासन के अंदर आपके पेल्विस का हिस्सा वो जमीन पे होता है और ऊर्ध्वमुख श्वानासन में आपके पैर के पंजे और हाथ पे ही वजन होता है बाकी आपका शरीर ऊपर होता है थोड़ा सा सो इट इज मोर लाइक दिस वेयर दिस पार्ट डजंट टच द फ्लोर एंड देन देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अधोमुख श्वानासन जो हम सब करते हैं ये चार प्रैक्टिस तीन बार रिपीटेड होती है बिलीव मी ये चार प्रैक्टिस जो है ना वो हमको थोड़ा सा ईजी लगता है लेकिन अगर इसको आप रिपीट चार पांच बार करोगे तो आपको इनडायरेक्टली थोड़ा सा स्ट्रगल लगने लगेगा लेकिन यही स्ट्रगल आगे जाके थोड़ा सा स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट हो सकता है सो व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ फोर प्रैक्टिसेस व्हिच आर रिपीटेडली विन्यासा यू नो आपने नाम सुना होगा क्या करते हैं विन्यासा योग या अष्टांग विन्यासा योग अब विन्यासा का अगर अर्थ देख ले सो इफ द मीनिंग ऑफ विन्यासा मीन्स टू प्लेस इट इन अ स्पेशल वे ओके ये इसका इसका मीनिंग है विन्यासा टू प्लेस इट इन अ स्पेशल वे स्पेशल वे यानी क्या कि जो आप ये जो चार पोजीशन लेते हो वो आप उसको बार बार रिपीट करते हो और बीच बीच में कोई भी आप आसन डाल सकते हो जैसे कि आप दंडासन कर लिया चतुरंग दंडासन कर लिया ऊर्ध्वमुख श्वानासन कर लिया अधोमुख श्वानासन कर लिया उसके बाद आपने वॉरियर वन कर लिया फिर वापिस आप नीचे आ गए वापिस वो चतुरंग दंडासन चतुरंग ऊर्ध्वमुख अधोमुख देन दूसरी तरफ से फिर उसके बाद आप और कुछ डाल सकते हो फिर और कुछ डाल सकते हो ऐसे करके वो विन्यासा फ्लो जैसा कुछ बनता है ओके ये जो चार प्रैक्टिसेस है ना ये स्ट्रेंथ के लिए काफी अच्छा है तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हम अपने बॉडी को डेफिनेटली चैलेंज करते हैं लेकिन ये सारी प्रैक्टिस ए और बी और दो तीन वेरिएशन है वो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ के मुकाबले में और चैलेंज कर सकती है इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी अचीव हो सकती है एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ कैन बी अचीव एंड एंड व्हेन देयर फॉर एन एग्जांपल
certain kind of precisions are there. For an example, इसके अंदर आप काफी बार जंपिंग करते हो और जंपिंग होते हुए शायद आगे चले जाओगे अपाद पश्चिमतानासन में जंप करके ऊपर की तरफ चले जाओगे. This all brings little agility in the indirectly. Even yoga has to focus on strength, focus on flexibility, to focus on cardio, and also to focus on the agility of the body. Okay, so exercise or yoga combination thoda sa hoga, that can also work well, little. So why I'm using this word exercise ka? Because jab hum ashtanga vinyasa aur us sab ki baat karte hain, wo thoda sa halka sa exercise ki taraf thoda sa chale jata hai, halka sa. Agar dhyan na diya jaye to, then it becomes more like a form of exercise. So a combination of yoga and exercise, which is more like this rigorous practices, can be good for all over development of the body. Okay, sorry Daraji. Yes, Daraji, you can continue. Yes, thank you. So now, what is yoga? Yoga, on the other hand, does not only deal with the physical health of an individual. It is a discipline based on ancient Hindu tradition, which is which is concerned with integrating the physical, spiritual, as well as mental well-being of a person. In fact, yoga is a form, sorry, term that loosely translates to unite. Proponents believe that the preparatory prerequisite to accomplishing a higher state of consciousness is a healthy and balanced physical body. Okay, Daraji, thoda explain karo humko kya aap samjhe iske bare mein. Yoga ke bare mein aisa bataya ja raha hai ki yog jo hai wo sirf physical exercise ki tarah hame usko implement nahi karna. योग इज एक यूनियन है जिसमें हम हमारा माइंड, फिजिकल बॉडी एज वेल एज स्पिरिचुअली भी हम करते हैं और इंटेलेक्ट मन से भी हम उसको कोऑर्डिनेट करते हैं. जैसे कि मैं जब भी आई एम ऑडिबल ना, ओके, जैसे कि वेन एवर आई प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार, माय फर्स्ट कंप्लीट सेट इज डेडिकेटेड टू सूर्य देवता. मतलब मैं कंप्लीटली स्पिरिचुअली करती हूँ, फिर बाद में मेरा जो भी रहता है, देन ऑनवर्ड्स आई डू इट एज पर दी व्हाटएवर वी से. तो स्पिरिचुअल बेनिफिट तो 100% मिलता ही है अगर हम उसमें कंप्लीटली इन्वर्स हो जाए. मेंटल पीस भी वैसे ही मिलता है और फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है. तो योगा इज अ वेल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स. Vijay ji, can you go on the next slide? And Shraddha ji, you will read and you will talk about what is the definition of exercise physiology and what is the definition of yoga physiology. Or aap jo samjhe wo thoda bata dena. Shraddha ji. Hello. Yeah. Definition of exercise physiology. Exercise physiology of a study of the body's responses to the physical activity. These responses include changes in the metabolism and physiology of different areas of the body like the heart, lungs, and muscles, and structural changes in cells. The word exercise comes from the Latin exercise. Status. Yeah. Status to drive forth. Yeah. While physiology comes from the word physis, nature, and the logia means study. So what do you mean by this? Physiology matlab physical activities. Body jo response karti hai physical activities, that is called, I don't know sir, I am right or wrong. Physiology. Acha. Okay. No. So ye jo do word hai na, anatomy and physiology. Anatomy is the structure and physiology is the functioning. Right. So whenever we do exercise, the functioning of the body at the heart level or at the muscle level, it starts becoming better, and there are so many components, so many systems it can get affected, right? Okay. Ab yoga ka padho definition. Definition of yoga physiology. Yoga physiology refers to the way in which the body is described and understood in yogic philosophy and teachings. It may also be used to describe the application of modern science and anatomy to be
to the understanding of effects of the body of yoga practice. Modern yoga teachers training will often integrate both of these approaches. Bas. Okay. Can you explain what you have read now, Shraddhaji? Just try. And there is nothing इसमें है ना इसमें करोड़पति ऐसा है नहीं कुछ कि अगर हम एक आंसर चूक गए तो 3,20,000 पे आ जाएंगे या ऐसा कुछ है ही नहीं तो इसमें मनी वनी गे इसका कुछ चक्कर ही नहीं है बराबर ना तो बहुत श्रद्धा हाँ चलो भले there is nothing don't worry सर योगिक और अपने शब्द में जरूरी नहीं कि जो लिखा है वो योगा चा प्रैक्टिस ने जे इफेक्ट्स होतात बोथ अप्रोचेस त्याने हे होतात म्हणजे फिजिकल पण होतात आणि मेंटली पण होतात आणखीन इट मे ऑल्सो बी टू डिस्क्राइब ऍप्लिकेशन ऑफ मॉडर्न सायन्स आणि एनाटॉमी जे समजून सांगताय आपल्याला तोच इफेक्ट आपल्याला योगाच्या प्रॅक्टिसने होतो ओके यू राइटली सेड श्रद्धा जी पहले मालूम ऐसा होता था बहुत पहले मैं आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ आसन्स वर डन इन द फॉर्म ऑफ फेथ जो आपको सिखाया टीचर ने सिखाया बोला इसका ऐसा ही होगा तो हाँ ऐसा ही होगा बट लेटर ऑन देर वर सो मेनी बुक्स फ्रॉम द एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू द इफेक्ट्स ऑफ एनाटॉमी ऑन पर्टिकुलर मसल द इफेक्ट्स ऑफ एनाटॉमी ऑन and the physiology on particular system and all that came. Yani, jo pehle hum shraddha se karte the, aapka jo inaam hai shraddha, right? Shraddha se karte the, great teacher ne jo bola, wo humne accept kar liya. Lekin khali wo hi nahi, uske piche ek backing bhi hai science ki, ke bhai, ye khali bole isle nahi hai, but he actually, inhone karke dekha hai, wo experience karke dekha hai, and that's why they have put into words. And that's why the science ka jo backing hai, abhi, filhal, wo bhi bahut strong hai. Mujhe yaad hai, Shraddha ji, jab main Kaivalya Dham mein tha, कल्याणन जी की वहां पे बहुत सारी बुक्स हुआ करती थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कैवल्य धाम की मुंबई की लोनावला की जो सेंटर वो 1934 में शुरू की थी 1934 यानी आज से तकरीबन 85 इयर्स पहले की बात है 85-86 इयर्स पहले की बात है यानी उस वक्त स्वामी जी एक्सपेरिमेंट करते थे उनके एक पर्टिकुलर ग्रुप हुआ करता था आई थिंक देयर वर अबाउट 10-11 पीपल इन दैट ग्रुप जो स्वामी जी के अंडर थे और उनपे सारा एक्सपेरिमेंट होता था एक्सपेरिमेंट यानी सब कुछ सब मशीन लगा के वो चेक करते थे कि भाई ये आसन उड़ियान कर रहे तो उड़ियान की ब्रीदिंग पे क्या इफेक्ट हुआ उसके कार्डियोवैस्कुलर पे क्या इफेक्ट हुआ तो एवरीथिंग वाज डन मोर फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जो पहले काफी बार हम सोचते नहीं आपने बोला इसलिए हम कर रहे हैं और मुझे पता है कि आपने बोला तो अच्छा ही होगा लेकिन देयर इज नाउ लॉट ऑफ एविडेंस फ्रॉम साइंस पर्सपेक्टिव फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड व्हिच शोज नहीं नहीं जो पहले बोल रहे थे ना वो ऐसे नहीं बोल रहे थे इट वॉज डन फ्रॉम नाउ एवरीथिंग दैट वी डू हैज सम काइंड ऑफ एनाटॉमिकल बैकिंग या एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल बैकिंग टूवर्ड्स इट या मैं क्यों ये बता रहा हूँ श्रद्धा जी बिकॉज मुझे याद है जब मैं शुरू में योग कर रहा था बहुत शुरू में तो जो मेरे टीचर बोलते थे ना मैं जब पूछा टीचर ये मीन ऐसे नहीं बस करो लेकिन करो तो इसके बारे में नहीं करो सो इट ऑल वेंट फ्रॉम द फेट पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन उन्होंने जो बोला था दैट नेवर वेंट रॉन्ग एंड लेटर ऑन एज द बुक्स केम एज आई रिमेम्बर 10 साल पहले एक बुक आई थी एनाटॉमी ऑफ हठ योगा बाय डेविड कॉल्टर अगर आप उसकी बुक पढ़ोगे तो ही इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग फ्रॉम मोर फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव अरे ये एंगल पे आएगा तो यहाँ पे ये होगा ये पैर इतना उठेगा तो यहाँ पे होगा ये मसल पे इसकी ये इम्पैक्ट होगी एंड सो ऑन सो वो जो बोलते थे वो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था कोई ये नहीं था कि भाई एविडेंस आप बता दो बट द सेम थिंग ऑल्सो केम विद द एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू जब साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया इसलिए जब हम थेरेपी की बात करते हैं ना एवरीथिंग हैज टू बी मोर बैक विद द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हाँ श्रद्धा जी एवरीथिंग बिकॉज थेरेपी है ना हमारा कोर्स तो ये आपने ये किया तो क्यों किया इसकी इस पे क्या असर हुई इस पे इसकी क्या असर हुई वो सब हमको जानना बहुत जरूरी भी है हाँ ओके और नीचे का और एक पैराग्राफ बाकी है आवाज इफ यू कैन
unmute, please. Yeah. Oh, sorry. Swati, aap padho. Yoga philosophy traditionally considers the human body as being composed of five sheaths or koshas. It is also thought to contain energy channels which can be activated, stimulated, and influenced by yoga practice. The energy map of the human body also includes the chakras, which are energy vertexes or centers located in the subtle body rather than the physical body. ये तो हम समझ गए, बिकॉज जब हम योग की बात करते हैं तो इसके अंदर हम नाडीज की बात करते हैं, चक्रास की बात करते हैं, सब की बात करते हैं. और लास्ट इसके पहले के पैराग्राफ में, पहले की स्लाइड में जो धारणा जी ने जो ये कहा था कि भाई मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ तो पहला जो होता है मैं एकदम डेडिकेटेडली सूर्य भगवान को ध्यान में रखते हुए करती हूँ. देखो अगर हम सूर्य नमस्कार की बात करें तो देर आर थ्री अप्रोचेस, देर इज फिजिकल फिजियोलॉजिकल अप्रोच, देर इज मेंटल इमोशनल एंड देन देर इज स्पिरिचुअल, राइट. तो जब हम फिजिकल फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं तो आसन जो 12 स्टेप्स है उसकी मूवमेंट. जब हम मेंटल इमोशनल की बात करते हैं तो ब्रीदिंग, और उसके साथ ही साथ अगर आपने बिहार स्कूल ऑफ योगा की आसन प्राणायाम मुद्रा बंदा बुक पढ़ी होगी उसके अंदर अगर सूर्य नमस्कार देखा होगा तो उसके अंदर वो दृष्टि की बात करते हैं. दृष्टि, फोकस ऑफ अटेंशन, जैसे नमस्कार करते हैं तो योर फोकस ऑफ अटेंशन इज एट द हार्ट सेंटर. उसके बाद जब आप बैकवर्ड बेंड करते हो देन योर फोकस ऑफ अटेंशन इज एट द थ्रोट सेंटर. जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हो तो योर फोकस इज ऑफ अटेंशन इज ऑन द सेकंड सेंटर व्हिच इज स्वाधिष्ठान चक्र. फिर उसके बाद जब आप प्लैंक पोजीशन करते हो सो एज एवरी पोस्चर इज डन देयर इज सम समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज फोकस ऑफ अटेंशन और दृष्टि. दृष्टि जब करते हैं, क्यों दृष्टि की जरूरत है, बिकॉज क्या होता है जैसे देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड नासिकाग्र दृष्टि, देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड ब्रूह मध्य दृष्टि. वैसे ही जो ब्रूह मध्य है उसका एक डीपर लेवल है वो शांभवी मुद्रा एंड ऑल दैट. क्यों उसकी जरूरत है, बिकॉज दैट अलाउज योर माइंड टू रिमेन कंप्लीटली फोकस्ड. और जब भी कोई भी चीज आप कोई भी चीज पे ऊपर फोकस करोगे उसकी काम करने की जो क्षमता है वो और बढ़ जाती है, उसकी काम करने की एफिशिएंसी है वो और बेटर होने लगती है. जब हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, बिकॉज धारणा जी ने उसके बारे में बात की थी, दैट्स व्हाई आई थॉट मे बी आई वांट टू ऐड समथिंग हियर. इवन दृष्टि कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम द इमोशनल लेवल अप टू द स्पिरिचुअल लेवल इवन इन सूर्य नमस्कार. या सो दैट्स द रीजन व्हाई व्हेन श्रद्धा जी वाज टॉकिंग अबाउट के भाई ये जो डेफिनेशन है, भाई योग यानी क्या, ये खाली व्यायाम नहीं है. व्यायाम और योग के अंदर, आसन के अंदर ये बहुत डिस्टिंक्शन है कि जब हम आसन की बात करते हैं तो आसन के अंदर आसन खाली स्थूल शरीर पे नहीं, उसके अंदर कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर भी है और कारण शरीर भी है. ये तीनों के ऊपर हमको ध्यान देना है, खाली फिजिकल नहीं बल्कि साइकिक लेवल पे, मेंटल लेवल पे, और खाली मेंटल लेवल पे नहीं रुकना है, आगे जाके स्पिरिचुअल लेवल पे. सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस एंड दैट इज द रीजन व्हाई yoga is more of a holistic approach. Why holistic? Because वो आपके शरीर के साथ साथ मन, मन के साथ साथ emotion, emotion के साथ साथ intellect, intellect के साथ साथ spirit, ये सबको एक साथ फूलने की कोशिश, खुलने की कोशिश करता है. It's आपने कभी देखा है फूल को कोई भी एक ही पंखुड़ी खुलती है फूल की? नहीं ना, जब खुलती है तो सब कुछ एक साथ खुलता है ना. इसलिए जब हम योग राइट वे में करेंगे ऑल द पेटल्स ऑफ द फ्लावर कैन ओपन ब्यूटिफुली. Yeah, so yoga has this possibility that it can expand on all of this. Shatari, hello. Sir, की आवाज आ रही है? नहीं आ रही है. Hello. नहीं आ रही. मुझे अभी किसी की आवाज़ आप. Your voice is cracking, sir. Yeah, now can you read me? Can you hear me now? Hello? No, sir. Just give me a second. Just give me a second. Hello?
विजय जी मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है, क्रैक हो रहा था बीच बीच में। ओके थोड़ा सा आप बात कीजिए सर, थोड़ा सा। विजय जी यस कैन यू हियर मी नाउ? नो यस यस हेलो यस कैन यू हियर मी? ओके यस ओके ओके यस थैंक यू विजय जी, कैन यू अगेन डू द स्क्रीन शेयरिंग ऑफ द थर्ड? नेक्स्ट टाइम तक मैं थोड़ा कोशिश कर दूंगा विजय जी, मैं सीख लूँ इस लैपटॉप पे, क्योंकि ये आ ही नहीं रहा है मुझे बहुत। सर मैं अगर कुछ नहीं जानता हूँ तो फिर मैं YouTube देख लेता हूँ, YouTube के ऊपर बहुत सारा मालूम पड़ जाता है। ओके तनिष्का जी, क्या गोल होना चाहिए एक्सरसाइज का और योग का? योग क्या है और हमको थोड़ा समझाओ। आई थिंक ये जो स्लाइड है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है, बिकॉज मेरे लैपटॉप पे वो एकदम बराबर दिखता है। आई थिंक मैंने उसको कन्वर्ट किया है पीपीटी के अंदर, दैट्स व्हाई वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, मैं करूंगा। बेयर विद दिस, आई विल डू, आई विल डू, नो प्रॉब्लम। प्लीज ओके थैंक यू तनिष्का जी। यस अल्टीमेट गोल एक्सरसाइज एंड योगा। Exercise. People often exercise for two main reasons: to have better physical health overall or to achieve weight loss. Of course, there are also other reasons such as improving blood circulation, developing athletic skills, toning the various muscle groups and others. In other words, the ultimate goal of a person who is to improve his or her physical appearance or physical health. थोड़ा एक्सप्लेन करो ना आपके शब्दों में। एक्सरसाइज मींस ज्यादातर लोग एक्सरसाइज क्यों करते हैं, उसके दो मेन रीजन रहते हैं। एक तो अपनी फिजिकल हेल्थ हमको इंप्रूव करनी होती है और नहीं तो वेट लॉस। तभी भी हमको जिम में पतले लोग बहुत कम दिखते हैं, जो भी दिखते हैं थोड़े ओवरवेट वाले ज्यादा दिखते हैं। yes, मेरे ख्याल yes, से yes, तो yes. बहुत कम परसेंटेज रहता है लीन, उनसे मुझे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही थीन हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है। okay. तो वो है। और तनिश, कोई तनिश, जो होते हैं मुझे थोड़े बहुत लोग होते हैं। हाँ या मुझे एक क्वेश्चन आपको पूछना है तनिषा जी। यहाँ पे यूजुअली हम जब जिम में, जैसे आपने अभी बताया ना कि भाई जिम में जाते हैं तो यूजुअली वहाँ पे थोड़े से ओबीज, थोड़े से ओवरवेट वाले लोग होते हैं और इसलिए वो खास करके आते हैं। योगा से वो नहीं होते क्या? क्या सुनाई नहीं? योगा से वेट रिड्यूस नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है योगा से वेट रिड्यूस नहीं हो सकता है? हो सकता है सर, लेकिन वो उतने 32 सूर्य नमस्कार वैसे वैसे किया और प्रॉपरली वो मेंटेन किया तो हो सकता है, और लेकिन वो जो होगा वो मेंटेन भी रहेगा। लेकिन इससे थोड़ा फास्ट कार्डियो वगैरह किया ना तो फैट बर्निंग थोड़ा ज्यादा होता है, सब मेरा मानना है अभी तक का। okay. सिर्फ योगा करते रहो तो मेंटेन हो जाएगा नो डाउट, लेकिन कार्डियो उसके साथ नहीं रहा तो उतना असर नहीं आता वेट लॉस पे। बाकी के लोग कुछ तो कहना चाहेंगे इस या एक्चुअली योगा वेट लॉस इज पॉसिबल प्रोवाइडेड यू एज आई सेड अकॉर्डिंग टू योगा फिलोसफी वेट लॉस इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द एक्चुअल फिलोसफी पॉइंट ऑफ व्यू। And as far as weight loss is concerned, you can even do Shuddhi Kriyas like Shankh Prakshalan and other things. Yes. So we can do that also and reduce our weight. And there are certain stretches in yoga, which helps you in toning your body and losing your weight. But the main thing is, according to yoga philosophy, weight loss is only a byproduct. If you concentrate on the philosophy part of it and try to attack the root cause of the problem, then it won't matter. So as he said, we are indirectly trying to control our vrittis. When yes. vrittis are under control, how does it matter? Yeah. Okay, so this is a permanent way. Whereas like how Tanishka ma'am said, exercise mein jaldi hota hai, calorie burn hota hai, but the moment you stop doing it, utna hi double gain bhi hota hai. Because there, the toning is a different kind of a toning in that exercises. You do a lot of repetitions. Yes. So, yes. So in that, the toning is different. Whereas in yoga,
the toning is I think more of isometric. Yeah, so because of that the toning is permanent here, whereas in exercise it will not be permanent. एक दिन दो दिन नहीं किया चौथा दिन वापस डबल हो जाता है उसका. So in yoga the toning will not be permanent, yeah, but it will be long lasting. Yes. Yeah, it will be long lasting. Yes. Not permanent, huh? Because अगर आप नहीं करोगे तो at some point of time you will have some kind of impact over it. So very yes, rightly yes, said. Yes, definitely. Yeah. Very rightly said. Yeah. Okay. I agree both the points here. जैसे because आपका नाम मुझे यहाँ पे क्या पता, मैं आपका नाम last time मैं भूल गया और यहाँ पे Redmi दिखा रहा है, yeah. सरस्वती जी वेरी राइटली सेट के योग शुद्धि क्रिया है. दैट्स व्हाई इन हठ योग प्रदीपिका और गहरंड के अंदर दो लोग को कहा गया कि भाई आपको शुद्धि क्रिया करना है. वो दो लोग कौन से है, वो कौन है दो लोग? यस, यानी कफ वाली प्रवृत्ति वाले और ओबेज वाले है, जो फैट वाले है उनको तो करना ही है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई very rightly said that when we talk about weight loss we only think ki kaise patla hona hai, lekin kahan uska jo root cause hai na yoga ke andar wo possibility hai ki uske root cause tak jaake. for an example main jab stress hota hu to main khane lagta hu, barabar. ab kya hoga agar main khata hu aur mera metabolic rate already thoda sa weak hai to there is a greater possibility that I can keep on putting weight more and more. So at this point of time, अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो मैं खा रहा हूँ ना स्ट्रेस के कारण, can I go to the root cause of what is the stress and because of which I am doing this? The moment I go to the root cause of problems, I can handle my vrittis which is there of overeating in a little better way. And the second thing, not only that, I can manage this well, my metabolic rate also comes to a proper optimal level which can further help me to burn on. So a combination, of course yoga ke andar isliye hai na ye kafi bar, lekin jaise Tanishka ji ne bhi kaha wo bhi bahut right tha, kyunki thoda sa wait karna hai, ab shaadi hai kisi cousin ki to 10 din mein ho jayega kya? Ab kaise 10 din mein hoga? और अगर 10 दिन में होगा तो किसी ने यहाँ पे कहा था कि भाई सूर्य नमस्कार करना है, 32 सूर्य नमस्कार करेंगे तो जो एक क्या पता वो नंबर पे आप कैसे आए, वो 32 आसन है इसलिए आप 32 सूर्य नमस्कार पे आए. आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन व्हाई यू सेड 32, बिकॉज इन गहरेंडर देयर इज 32 आसन. सो वो 32 सूर्य नमस्कार, खाली एक प्रॉब्लम उसके अंदर जो होता है वो है जब आप बहुत बार सूर्य नमस्कार रेपिटेटिव फॉर्म में करते हो इंजुरी के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं. Right, right. क्यों? Because है ना जब वो खाली सूर्य नमस्कार perspective से नहीं, but अब मुझे weight कम करना है, मुझे weight करना है, मुझे push करना है. और वो push कैसा होता है मालूम? तो निश्चित जी वो push है ना, वो push immediate होता है. जैसे for an example, अगर मैं सूर्य नमस्कार कर रहा, suppose if I am able to do 108 सूर्य नमस्कार, ये 108 में एक दिन में नहीं पहुंचा हूं. पहले जब मैंने शुरू किया तो मैं 3 से शुरू किया था, फिर मैं 6 पे आया, फिर 12 पे आया, फिर मैंने खुद को चैलेंज करने के लिए 21 किया, फिर देन आई वेंट टू 51. दैट्स हाउ आई ग्रेजुअली मूव टू 108. लेकिन जो पावर योगा और उसके अंदर क्या होता है, आओ चलो आ जाओ, अब करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, सूर्य नमस्कार करेंगे. ना फॉर्म पे ध्यान होता है, ना पता है कि भाई वो व्यक्ति का बॉडी कैसा है, ना पता है कि उसने कभी पहले एक्सरसाइज की नहीं. पहले ही दिन 108 सूर्य नमस्कार. अब अगर वो व्यक्ति जो ग्रेजुअली प्रोग्रेस नहीं कर रहा है और सडनली पहले ही दिन पे 108 करेगा तो बेचारा वो कभी दूसरी बार योग नहीं करेगा. और ये मैंने देखा है, सुना है कितने लोग से, अब मैं योग नहीं करता क्यों, बिकॉज इंजरी हो गई है. सो दैट्स द रीजन व्हाई एज अ टीचर इट बिकम्स वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट पर्सन, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द पर्सन एंड हाउ टू स्लोली मूव देम फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स थिंग्स. या ओके, यस, सॉरी मैंने बीच में रोक दिया था आपको. अब योग के बारे में. योगा, while most people who do yoga can also improve their physical appearance and health, the ultimate goal of yoga is to reach a higher state of consciousness. To achieve this, they execute yoga postures like asanas, practice proper breathing pranayama, perform appropriate gestures mudra, and do inner cleansing shatkarmas by getting rid of emotional blockages on a person's energy centers, chakras. Okay, right. Yes, kuch batao kya aapne padha hai? Mujhe to nahi samjha kuch.
थोड़ा समझाओ जो योगा करने वाले लोग है वो भी फिजिकल अपीयरेंस और हेल्थ के लिए ही करते हैं, लेकिन उनका मेन गोल जो रहता है हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस रहता है, मींस माइंड बॉडी बॉडी माइंड एंड आत्मा तीनों का मिलाप करना है, वैसे मींस स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना ध्यान रहता है। और इसमें ये अचीव करने के लिए वो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मुद्राज करते हैं और षटकर्मज करते हैं, इससे उनकी इमोशनल ब्लॉकेजेस और चक्रास भी ये होने में फायदा होता है। ओके, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, हाँ श्रद्धा जी, एंड फ्री नॉट टू आंसर, सबके लिए, एक्चुअली आपके लिए नहीं सबके लिए है, क्या हमारा योग एक घंटे योगा मैट पे करने वाला योग है कि वो योगा मैट के बाहर भी जाता है? सब लोग आंसर दे सकते हैं। कुछ जगह पे यानी कुछ लोग क्या करते हैं, आसन किया अब मेरा योग हो गया, लेकिन योग तो हम योग पढ़ रहे हैं ना माइंड के लिए है, जिसके अंदर यम नियम भी आ जाएगा, जिसके अंदर प्रत्याहार भी आ जाएगा, फिर धारणा ध्यान समाधि जो हमारा अल्टीमेट गोल है, जैसे अभी श्रद्धा जी ने बताया कि भाई हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाना है, लोअर लेवल पे नहीं रहना है। सो अपना योग जो है ना वो योगा मैट से शुरू होता है और वहां से स्प्रेड होके वो बाहर की योगा मैट के बाहर भी जाता है, जिसके अंदर व्यवहार, लोग, हमारा एक्शन, हमारा इंटेंशन, हमारा रिएक्शन, एवरीथिंग इज काउंटेड। ओके श्रद्धा जी, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड विजय जी और सरस्वती जी। ओके, यू वांट मी टू रीड? ओके, आई वांट, या और व्हाट यू कैन डू इज, व्हाई आई एम आस्किंग यू टू रीड, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल, दे कैन आल्सो हियर यू साइलेंटली। या पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व्ड एक्सरसाइज एंड योगा। So in exercise involves sympathetic nervous system, which is responsible for reducing digestive secretions, contracting blood vessels and speeding the heart. It also counteracts the physiological effects of the parasympathetic nervous system. As a result, exercise produces a feeling of tiredness. And in yoga, can you explain this? Can you explain this? Yeah. Now, as we have this two sides, you know, sympathetic and parasympathetic. And this sympathetic nervous system is responsible for the fight and flight response. You tend to do more actions in that. So when you do actions, you're putting more load on your systems. So because of which the muscle starts contracting. And accordingly, the blood vessels also start contracting. And then comes the feeling of tiredness. Because of this heavy load comes the feeling of, when the nerves and all get contracted, you get a feeling of tiredness because of this exercises. Although it is said to, you know, improve your heart function and things like that, this is also another byproduct of that exercises. Okay. Just a second, Saraswati. In exercise, what happens, muscle has a simple rule. Whenever muscles are used, they will require energy to sustain, right? So whenever the energy is sustained, they will require energy. So when the muscle is used for too long or too harder, more energy is required. And that's the reason why energy depletion happens very fast. And when, you know, Patanjali ka dusra definition kya hai yoga ka, asan ka? Dusra asan ka definition kya hai? जब मैं अर्ध पवन करता हूँ, एक नी को चेस्ट के पास लाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लेना, लाता हूँ तो काफी बार मुझे लगता है मैंने पॉस्चर ले लिया, लेकिन वो पॉस्चर के साथ साथ बहुत सारे दूसरे मसल्स जिसकी आवश्यकता नहीं है वो भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम होल्डिंग लाइक दिस, there is
this muscle which is constantly used, because it is used, it will take some energy. So energy depletion can happen from here. लेकिन जब प्रयत्न को शिथिल कर दूंगा, एफर्ट को कम कर दूंगा, तो मेरे जो मसल्स जो उसको सस्टेन करने के लिए एनर्जी लग रही थी, अब वो एनर्जी बच रही है और वही एनर्जी आगे जाके मैं और ब्रीदिंग पे, माइंड पे या स्पिरिट पे अनंत की तरफ लगा सकता हूँ फिर मैं. क्या ओके सरस्वती ओके योगा इन्वॉल्व्स द पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम which counteracts the physiological effects of the sympathetic nervous system. It is responsible for stimulating digestive secretion, dilating the blood vessels, slowing down the heart, and constricting the pupils. In other words, doing yoga produces a feeling of relaxation. Yes. Yes. Yeah. ये तो सबको मालूम ही है, right? Yes. Yoga yes. करने से we become more relax, more comfortable, and that's the reason why at the end of every class we feel so nice, so comfortable, so relaxed physically and mentally also. Yeah. Okay. Archana ji, Vijay ji, can you go on the next slide, please? So, एक तो हमारा क्या गोल है और कैसे वो नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है. अभी इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए हमको. एक्सरसाइज मेरी आवाज आ रही है ना. यस हाँ. एक्सरसाइज टिपिकली रिक्वायर्ड इक्विपमेंट विच इज लिमिटिंग इन टर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वन कैन डू. इट इज ऑल्सो लिमिटिंग इन टर्म ऑफ वेयर वन कैन परफॉर्म एक्सरसाइज. सम एक्सरसाइज इवन रिक्वायर वन पार्टिसिपेंट इन पार्टनर और ग्रुप एक्टिविटी. मतलब एक्सरसाइज के लिए जैसे जिम में डंबल हो गया या जैसे पुशअप के लिए मतलब ये सब चाहिए. और योगा में ऐसा कुछ जरूरत नहीं है. और इसमें क्या है कई बार पार्टनर की भी जरूरत होती है, ग्रुप की भी जरूरत होती है. पार्टनर की कैसे जरूरत होती है इसके अंदर. सर जैसे ये लोग ना पैर को आपस में फंसा के और क्रंचेस करते हैं. ओके ठीक है. काफी बार पुशअप करना होगा, वेट से चेस्ट प्रेस करना होगा, तो कोई होगा पकड़ने के लिए, वो आपको पकड़ेगा, फिर आप पुश करोगे, फिर वो रखेगा, तो पार्टनर की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है. ओके पार्टनर का ग्रुप का तो सर मेरे को भी नहीं पता है. ग्रुप एक्टिविटी ग्रुप में कैसा होता है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है ग्रुप की. सो एटलीस्ट टू पर्सन्स आर रिक्वायर्ड यूजुअली. टू और हां जूम्बा इज लिटिल डिफरेंट. या मोर लाइक एन एरोबिक एक्सरसाइज. ऑफ योग का योग इज जनरली सेल्फ सफिशिएंट. दिस इज मीन इट कैन बी परफॉर्म विदाउट एनी इक्विपमेंट. इवन ए योगा मैट इज नॉट एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट. ऑल अ पर्सन नीड अ एडिक्वेट स्पेस फॉर पोजेस टू बी परफॉर्म. योगा में जनरली किसी की मतलब ऐसा कोई जरूरत नहीं है, अकेले कर सकते हैं. योगा मैट भी नहीं नहीं मैंने तो कुछ अलग सुना है. क्योंकि मैं जब थाना स्कूल ऑफ योग के अंदर गया तो वहाँ पे तो वो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस लगाते हैं और डिम लाइट कर देते हैं और ओम की कांस्टेंट आवाज आते रहती है, ऐसा मैंने सुना है थाना स्कूल ऑफ योग में. कि अगर और एक बार तो क्या हुआ, मैं जब वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था और वो ओम का चलना बंद हो गया, फिर तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था योग के अंदर क्या. और वो जो अगरबत्ती लगाते हैं ना विजय जी, जो खुशबू वाली, वो भी एक बार खत्म हो गई थी, तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था फिर योग के अंदर. हाँ अर्चना जी. हाँ हाँ ये सब रहता है, पर प्रॉपर योग के लिए तो अपने को शांति चाहिए, इस सब की जरूरत नहीं है. अगर अपने प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो हमको ये सब की जरूरत नहीं है. योगा मैट क्यों मैंने बस प्रॉपर ये सब क्यों मैंने ये पॉइंट क्यों मैंने ये पॉइंट डाला है, क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न योगा स्टूडियोज है ना, वो सब ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि भाई आप जाओ और आपका मन एकदम शांत हो जाए. लेकिन वो डिपेंडेंसी है, क्योंकि अगर ओम वो ऐसा वाला म्यूजिक नहीं चलेगा तो मेरा फोकस कैसे होगा, या फिर वैसी लाइट डिम नहीं होगी तो मेरे को ध्यान के अंदर या धारणा जी के फोकस करने के लिए कैसे होगा. सो क्या होता है, काफी बार कुछ स्कूल ऑफ योगा के अंदर ये सब बहुत होता है और स्टूडेंट्स को उसकी आदत हो जाती है, और अगर वो नहीं होगा तो स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल होने लगता है. क्या दिस इज द पॉइंट व्हिच आई वांट आई हैड टू मेक. थाना स्कूल के अंदर देखा है वो एंबियंस, देखा आपने कि नहीं. हां सर मैं कोलकाता. अरे आप कलकत्ता से हो, अरे केवन अच्छी. हां वालो मैं आर्ट ऑफ लिविंग से भी हूं सर. ओके
गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दैट्स सो नाइस श्री श्री का नाम लिया ना मैंने मैंने भी आज सुबह देखा था आज देखा आपने अच्छा वो जिम वाला हाँ फाइन ओके तो जैसे अर्चना जी ने कहा कि भाई कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है खाली आप खुद चाहिए बस उसके अंदर और अगर वो वाला 6 इंच वाला मैट होना चाहिए कि वो 4 इंच वाला होना चाहिए नहीं नहीं वो अभी नया निकला 8 इंच वाला वो तो नॉन स्लीपरी वाला किसी चीज की जरूरत नहीं है एक चद्दर ले लो और काम शुरू कर दो नो डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग काफी बार वो भी नहीं होगा तो चलेगा ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज विजय जी स्वाति जी oxygen consumption for exercise and yoga exercise exercising particularly one that involves cardio results in increased oxygen consumption that is also one of the reason why we feel tired because the in exercise there is lot of blood flow that happens very fast because it's more of a cardio workout no so the blood the heart has to pump more so more consumption of oxygen more carbon dioxide ye jo lactic acid hote hai na jab kafi bar you know gym karte hai to gym ke andar kya kehte hai sore ho jati hai muscles because lot of lactic acid is secreted there so yog ke andar to aisa hai hi nahi kuch lactic acid secretion jaisa barabar because heart ko bhi itna zyada pump nahi karna padta to mera ek sawal hai aap ye pad lo फिर मेरा आपको स्वाति जी एक सवाल है आप ये योग का पढ़ लो देन आई हैव वन क्वेश्चन वन ऑफ द फोकसेस योगा वन ऑफ द फोकसेस ऑफ योगा इज प्रॉपर ब्रीदिंग कंसीक्वेंटली प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक्स लीड टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन मेरे यहाँ पे अब दो प्रश्न है हाँ. एक प्रश्न आपसे स्वाति जी के सूर्य नमस्कार इज योगा और व्हाट अगर वो मेरे ख्याल से सूर्य नमस्कार अगर बहुत स्पीड में किया तो इट इज एक्सरसाइज एंड अदरवाइज इट कैन वी कैन कंसीडर दिस एज योगा ओके फाइन ओके फाइन ओके यहां पे लग गया है कि कॉन्सिक्वेंटली ब्रीदिंग टेक्निक्स लीड टू रिड्यूस ऑक्सीजन कंजम्पशन मैं समझा नहीं इसको प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है एक्सरसाइज जब योगा होता है तो कब इनहेल करना है कब पूरक और रेचक जो है वो कब करना है वो एक्सरसाइज मूवमेंट्स में होता है एंड अकॉर्डिंगली अगर हम अगर ब्रीदिंग को बैलेंस करेंगे मूवमेंट्स के साथ यानी क्या अच्छा मूवमेंट के साथ खाली बाद में नहीं मतलब नहीं मतलब जब हम एक्सरसाइज योगा कर रहे हैं तभी सपोज अगर बॉडी स्ट्रेच हो रही है तो हम लोग पूरक करेंगे और अगर बॉडी को ये कर रहे हैं तो हम लोग रेचक करेंगे तो खाली स्वाति जी हाँ खाली उतना ही क्या खाली मूवमेंट के टाइम ही ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है कि फाइनल पोजीशन में ब्रीदिंग पे ध्यान देना है जो है धारणा जो होती है देह धारणा वो उसमें एकदम वो अनुभूति लेनी है हमें पोस्चरल अवेयरनेस वो तभी करना है और उस टाइम में ब्रीदिंग बहुत स्लो हो जाता है वो माइंड एकदम कूल होके वो पोस्चर का अनुभव हम अनुभूति हम लेते हैं तब ब्रीदिंग स्लो हो जाता है एंड ब्रीदिंग जब स्लो होगा तो ऑक्सीजन कंजम्पशन कम रहेगा बराबर आपने कहा कि जब आसन के अंदर होंगे तो ब्रीदिंग स्लो हो जाएगा लेकिन हाँ. मैं जब पवन मुक्त आसन करता हूँ तो मेरी तो ब्रीदिंग स्लो के बदले फास्ट हो जाती है तो अब क्या करूँ मैं लेकिन पवन मुक्त आसन में आप अंतिम पोजीशन में आएंगे हाँ. तब ये होगा अंतिम पोजीशन हम अंतिम पोजीशन के अंदर ही बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो आप मुझे इतना ही देख पा रहे हो ना सरस्वती जी स्वाति जी आप मुझे इतना ही देख पा रहे हो या लेकिन मेरा पेट तो बहुत बड़ा है तो मैं जब पुल करता हूँ तो मेरा पेट ही बीच में आता है अंतिम पोजीशन आपके लिए वही अंतिम पोजीशन है जो आपका शरीर आपको अलाउ करता है जब आपका ब्रीदिंग बढ़ता है दैट मींस दैट इज नॉट अंतिम पोजीशन
अंतिम पोजीशन तभी है जब ब्रीदिंग स्लो होके आपके बॉडी को रिलैक्स लगेगा, वही अंतिम पोजीशन है। आपका पेट कितना भी बड़ा हो, राइट ये इतना बड़ा नहीं है, मैं इसी मजाक कर रहा था। मेरा एक क्वेश्चन और सर, एक्सरसाइज में भी एक और एक लगता है कि एक्सरसाइज जब कार्डियो होता है तब उस पे मशीन भी लगी होती है, ब्रीदिंग बढ़ जाता है, ब्रीदिंग जब बढ़ता है हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, अपने बीपी बढ़ता है, फिर सर्टन लेवल के बाद बीपी बढ़ना नहीं चाहिए, इसके लिए मशीन अलार्म देता है, फिर आपको उसको कम करना है। मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, आपने कहा कि फाइनल पोजीशन के अंदर जो भी स्थिति आपकी आ जाए उसके अंदर ब्रीदिंग स्लो हो जाएगी या स्लो करनी है? स्लो हो जाएगी, जब स्लो हो जाएगी दैट इज माय अंतिम पोजीशन। ओके, हर एक की पोस्चर अलग हो सकती है। या बाकी के लोग इस पे, एनी अदर पीपल वांट टू टॉक अबाउट दिस, स्लो हो जाती है स्लो करनी है? स्लो हो जाती है, स्लो करनी है। स्मृति जी सेइंग नहीं स्लो हो जाती है, और कुछ एनी जी, कोमल जी, पुष्पलता जी, कल्पना जी, वृषाली जी, स्लो हो जाती है? प्रीति जी, ब्रीदिंग फास्ट है तो पहले की थोड़ी सी पोजीशन लेके ऐसी पोजीशन लो कि जिसमें आप नॉर्मली ब्रीथ कर सकते हो, आप रेगुलेट कर सकते हो ब्रेथ, रेगुलेट कर सकते हो। ओके, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ स्वाति जी, आई एम जस्ट आस्किंग जनरली, मैं मेरे डाउट्स क्लियर करूँ ना, बराबर के नहीं? मैं भी पहली बार कर रहा हूँ योगा, तो आपसे कुछ सीखूंगा क्या नहीं स्वाति जी, बराबर ना? ओके, व्हिच इज करेक्ट नाउ? यस, ओके फाइन, ओके फाइन। Next slide, Vijay ji. Okay. Who will read this? Pushpalata ji. मेरे को किसने एक बार पूछा था, योग करने से कैलोरी बर्न होती है क्या? तो हमने उन्हें क्या किया था, मशीन लगाया था हाथ पे और देखा था कि कितनी कैलोरी बर्न होती है, और आई थिंक वी डिड अबाउट 2 rounds ऑफ सूर्य नमस्कार, दो राउंड सूर्य नमस्कार की थी और देखा था कि कितना बर्न होता है। क्या कुछ गलत है? यू कैन रीड। कैलोरी कंजम्पशन फॉर एक्सरसाइज एंड योगा। एक्सरसाइज द नेचर ऑफ मोस्ट एक्सरसाइजेस रिजल्ट्स इन मॉडरेट टू हाई कैलोरी कंजम्पशन व्हिच इज यूजुअली व्हाई मोस्ट पीपल आर टिपिकली फैमिश्ड आफ्टर एक्सरसाइजिंग। ओके, I think किसने बताया था, श्रद्धा जी ने बताया था या फिर किसने बताया, तनिष्का जी ने बताया था कि जिम के बारे में, यू नो जिम के अंदर जाते हैं तो वेट लॉस के लिए ज्यादा आते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बिकॉज इन जिम यू बर्न मोर कैलोरीज एंड दैट्स द रीजन व्हाई द टोनिंग द नैरोइंग डाउन ऑफ सर्टन एरियाज कैन हैपन फास्टर व्हिच इज लिटिल लेस एज कंपेयर टू योगा। यस सॉरी पुष्पलता जी, यू कैन रीड नाउ। क्या करने पढ़ू क्या? हाँ, योग के बारे में। ओके, हाँ, योगा ऑन द अदर हैंड रिजल्ट इन रिलेटिवली लो कैलोरी कंजम्पशन व्हिच इज व्हाई योगीज जनरली कंज्यूम लेस फूड देन पीपल हु एक्सरसाइज। ओके, हम काफी बार जिम में जाते हैं तो जिम के अंदर ये कहा जाता है कि भाई आपको 2-2 घंटे के बाद खाना है बिकॉज यू आर बर्निंग मोर, नो सो यू ऑल्सो हैव इन योर इनटेक ऑफ द फूड इज ऑल्सो बिकॉज द बर्निंग इज मोर। इन योग अगर आप सही ढंग से करोगे तो आपको भूख भी थोड़ी कम लगती है, अगर आपने नोटिस किया होगा, या आपका जो पहले का डाइट होगा और योग करने के बाद का जो डाइट होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपका इनटेक थोड़ा कम हो जाएगा अपने आप ही, या बिकॉज यू आर नॉट बर्निंग सो मच, दैट्स व्हाई द इनटेक इज ऑल्सो लेस। बिकॉज यहाँ पे कुछ बात आई इसके बारे में, तो जब बहुत पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004 जब नया नया पावर योगा आया था, आई थिंक मैंने एग्जांपल शायद दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, जब पावर योगा आया था तो आई एम अ पर्सन हु इज लिटिल क्यूरियस टू नो अरे इसमें भी क्या होगा, तो मैंने कुछ जिम के भी कोर्स किए हैं, कुछ जिसके भी कोर्स किए, हाई योगा के, मसाज के भी कोर्स, सब अलग अलग थोड़ा सा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एज अ योगा टीचर क्या क्या हो रहा है, तो मैं बहुत क्यूरियस था भाई ये पावर योग क्या है, नया क्या शुरू हो रहा है, अपने को तो सीखना चाहिए। तो ब्रीच कैंडी के पास एक स्टूडियो है, जो अभी स्टूडियो तो बंद हो गया लेकिन तब स्टूडियो था, वहाँ पे मैं गया था इसके लिए एनरोलमेंट के लिए, भाई मुझे सीखना है पावर योग।
उस वक्त अक्षय खन्ना और अक्षय खन्ना की गर्लफ्रेंड वो सब थे और चल रहा था सूर्य नमस्कार चल रहा है, पसीने से लथपथ है और लोग किए जा रहे हैं और जबरदस्त यार ये तो इट्स लाइक अ वर्कआउट नो। और आप जब यंग होते तो आपको ऐसा लगता है नहीं थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं, यहाँ से पुश कर सकते हैं, वहां ये तो करना चाहिए। तो पूछा कब ज्वाइन होना है, बोला क्या बस अभी 15 दिन के बाद आप पहला तारीख शुरू आएगा तो आप शुरू कर देना, आप आके एनरोल कर लेना। बोला ठीक है। जब मैं गया पहले दिन 15 दिन के बाद पहली तारीख पे नेक्स्ट मंथ की, तो क्लास बंद। मैं बोला ऐसे कैसे क्लास बंद हो गया, अभी तो चल रहा था 15 दिन पहले। तो उसके अंदर ये आया था कि बहुत सारे लोगों को इंजरी आ गई थी, नी इंजरी, बैक इंजरी, नेक इंजरी, विच इज वेरी कॉमन। पहले कॉमन था, क्या क्यों कॉमन था, अभी तो फिलहाल पीपल आर मोर अवेयर ऑफ कैसे करना है क्या करना है एंड ऑल दैट। पहले क्या था, बस रगड़ो जाने दो करते, बस करो करते जाओ एंड दे आर नॉट अवेयर कि भाई कितना आदमी अपना वाटर लूज कर रहा है, पानी पीना चाहिए कि नहीं नहीं पानी वानी कुछ नहीं है, वो एक घंटे के बाद क्लास के। सो पीपल यूज टू पुश टू हार्ड एंड व्हेन यू पुश टू हार्ड स्पेशली व्हेन यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वेयर आप एक्सरसाइज आपने कभी ज्यादा पहले की नहीं है और अभी एकदम धड़ल्ले से बहुत सारे एक साथ कर रहे हो, देन द इंजुरी चांसेस आर लिटिल देयर। सो योग के अंदर बिकॉज कैलोरी एक्सपेंडिचर कम है तो कैलोरी कम बर्न भी होती है और इंटेक भी कम होता है। कोमल जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 6 पॉइंट एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद में कोमल जी को एक प्रश्न। यस ओके सर, एम आई ऑडिबल? यस यस कोमल जी। हाँ हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन इन एक्सरसाइज एंड योगा। Exercising is a catabolic process which is characterized by destructive metabolism. In other words, it is capable of breaking down the energy. And yoga is anabolic, which is characterized by or promoting constructive metabolism. In other words, it is capable of conserving the energy. Okay. So yog exercise ke andar expenditure zyada hai, yog ke andar expenditure kam hai. बराबर कम है एनर्जी। ओके तो मुझे जरा इसके बारे में कुछ बताओ ना, ये पतंजलि का जो आसन का दूसरा और तीसरा सूत्र है वो क्या है, पहला दूसरा तीसरा क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। फर्स्ट इज स्थिरम सुखम आसनम, तो उसमें जो स्थिर मतलब जो आराम से किया जाता है वो आसन जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो। सेकंड वन है जो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। कोमल जी एक मिनट, मैं हमेशा शवासन में बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ। कोमल जी जो आप हाँ जहाँ पे आप बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं सर, स्थिरम सुखम आसन में जहाँ पे आप बहुत ये नहीं करते हो, ताकत नहीं लगाते हो या फिर वी कैन से टेक टाइम, वी आर नॉट इन अ हरी, टेक टाइम। So, जहाँ पे जो आसन आप स्थिर मतलब आराम से करते हो जिसमें कंफर्टेबल होते हो मतलब ज्यादा क्या बोलते हैं द्वंद्व नहीं होता है जिसमें। ओके हाँ, तो वो स्थिरम सुखम आसन। सेकंड इज प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम और थर्ड वन इज ततो द्वंद्व नभिघात। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति हमने अभी डिस्कस किया था एक स्लाइड पहले। अभी डिस्कस किया था। हाँ क्या है वो, जो आप मतलब जिसको आप कंफर्टेबल या फिर हमने जो अभी बात की थी कि आप कोशिश करके जिसमें आप कंफर्टेबल हो जाते हो मतलब आपने एक एग्जांपल दिया था सर, पवन मुक्तासन का एग्जांपल दिया था। पवन मुक्तासन का एक जो आपने एग्जांपल दिया था तो उसके साथ हमने बताया था कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति में, और तीसरा जो है जिसमें द्वंद्व कम हो जाते हैं मेंटली भी फिजिकली भी। और हाँ ओके आपने बहुत सही कहा कोमल जी, जो सेकंड पॉइंट है जो प्रयत्न शैथिल्य वो ये है कि काफी बार जब हम योग बहुत आराम से एंड इन अ रिलैक्स वे इफ यू कैन डू इट, इनफैक्ट इट हेल्प्स टू कंजर्व द एनर्जी बिकॉज एक्सपेंडिचर बहुत कम है और योग करने से ऊर्जा भी बढ़ती है तो एनर्जी कंजर्वेशन भी हो सकता है। या दैट्स द रीजन व्हाई लॉट ऑफ टाइम आफ्टर योगा प्रैक्टिसेस वी फील मच मोर एनर्जाइज, वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स वेरी इजीली। या और काफी बार जिम जाने से एक्सरसाइज करने से वी फील अ लिटिल फटीग, वी फील अ लिटिल टायर्ड ऑल्सो बिकॉज एनर्जी का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है ना, दैट्स द रीजन। हां हां यस ओके एंड नाउ कम्स
प्रीति जी, विजय जी, नेक्स्ट लाइन सेवन. Okay, so can I read? Okay, yes. Type of movement in exercise and yoga. Exercising normally requires rapid, forceful movements. And now I read yoga. On the other hand, yoga generally calls for slow, dynamic movement. Okay. Or sir, इसमें हाँ easy है ना मतलब exercise में आपको फोर्सफुली मूवमेंट मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और लगातार कंटिन्यूस मूवमेंट करना पड़ता है. हाँ, और योगा में आप हल्का जाते हो और माइंड ब्रेथ और बॉडी एक साथ आपका तीनों बैलेंस में आप आसनास करते हो या कोई भी आसनास करो बैलेंस में करते हो. जैसे स्वाति जी ने कहा था कि जो भी मूवमेंट करते हो अगर उसके अंदर ब्रीदिंग इन्वॉल्व कर लोगे तो एक तो वो मूवमेंट भी स्लो हो जाएगी, ब्रीदिंग भी थोड़ी अच्छी सी कंट्रोल रहेगी, और फाइनल पोजीशन के अंदर अगर आप थोड़ा मैनेज करके ब्रेथ को मैनिपुलेट करो, थोड़ा सा स्लो होने दो या ब्रीदिंग अपने आप स्लो हो जाती है तो अपने आप कंजर्वेशन तो होगा ही. बट एज यू राइटली सेड प्रीति जी के यहाँ पे फास्ट मूवमेंट है और यहाँ पे बहुत स्लो मूवमेंट है विथ awareness of the mind. So okay, the body, mind and the breath works in union. Okay? Okay. Vijay ji, iska ek next slide karo aur Preeti ji, aap hi padho next slide. Okay. Toning of the muscles in exercise and yoga. Exercising help to tone the muscles. Yoga is not concerned with toning the muscles per se. Okay. However, many poses और मूवमेंट लेड टू मसल स्ट्रेचिंग. अच्छा, तो इसमें ऐसा दिया है कि स्ट्रेंथनिंग, हां नॉट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग. ओके स्ट्रेंथनिंग. एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम हमारे मसल्स टोन होते हैं, बॉडी एक अलाइनमेंट नहीं टोन होती है बॉडी एक्सरसाइज से. और योगा से क्या होता है कि टोनिंग मतलब एक शेप आता है. स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ता है मसल्स का, मगर आपको शेप मिल जाता है. स्ट्रेंथ बढ़ता है? हाँ, सॉरी, स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, मगर टोन होती है बॉडी, क्योंकि आप वो एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हो, रेपिटेटिव कर रहे हो, लगातार वही रिपीट कर रहे हो, उसमें प्राणायाम नहीं है या फिर ब्रीदिंग कुछ नहीं है कर रहे हो, तो लगातार एक काम करते रहो तो फिर आप टोन हो जाओ. प्रीति जी, आज लेकिन प्रीति जी, आजकल की दुनिया में बाहर से लोग देखते हैं अरे कितना मस्त दिख रहा है, तो एक्सरसाइज तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बिकॉज दिखने में तो कितना मस्त दिख रहा है वो बाहर से, चाहे अंदर कुछ भी बात अलग है लेकिन बाहर से तो जबरदस्त. हाँ सर, सबको वही चाहिए ना, मतलब योगा किसको चाहिए, और योगा में भी लोग आते हैं तो यही पूछते हैं कि हम कितने दिन में कम हो जाएं. yes, yes, तो yes. मन तो करता है उनको बोलो कि भाई योगा मत करो प्लीज, लेकिन no, फिर आपके पास कोई मुश्किल से अभी यानी मुश्किल से इंटरेस्ट आ रहा है और अब उसको ना बोल दोगे तो कैसे चलेगा. तो मैंने मेरे क्लाइंट को तो बोल के रखा है कि मतलब मेरे जितने भी पास आते हैं तो फर्स्ट तो इनका वही होता है मुझे पेट कम करना है, तो मैंने उनको बोल के रखा है कि पेट कम करना है 1 month 2 month में तो योगा मत कर, डू एक्सरसाइज, गो टू द जिम, योगा मत कर, क्योंकि बाद में 2 महीने के बाद वो हमारा सर खाने लगते हैं कि भाई पेट कम नहीं हुआ है, तो 4 लोगों को और भड़काते हैं कि नहीं हो रहा है भाई, इनसे तो कुछ नहीं हो रहा है, तो बेटर है कि आप आयो मत, राइट. तो और हाँ, योगा से तो हमारा स्ट्रेंथनिंग बढ़ता है बॉडी का, और इसलिए वहां पे बहुत स्पेसिफिकली लिखा है, हाउएवर मेनी पोजेस और मूवमेंट्स लीड टू मसल स्ट्रेंथनिंग. इसलिए स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास शुरू की थी तो मैं वो विन्यासा वाला कुछ बात कर रहा था ना, वो स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है. हाँ सर, मैंने किया हुआ है विन्यासा और 2 years. आपको आपको पता चला कि स्ट्रेंथ बढ़ती है? हाँ सर, बहुत, मतलब शोल्डर बैक एंड लेग्स कंटिन्यूस कर करके, और खाली शोल्डर बैक और लेग्स नहीं, इवन कोर, कोर ऑफ कोर्स, कोर, चतुरंग दंडासन एंड दंडासन, चतुरंग दंडासन. फाइन, ओके फाइन, थैंक यू. बलराम सर, गुड आफ्टरनून, इफ यू कैन रीड द नेक्स्ट स्लाइड.
विजय जी, रिस्क ऑफ इंजरी इन्वॉल्व इन एक्सरसाइज एंड योगा. एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स अ हाई रिस्क ऑफ इंजरी बिकॉज मोस्ट फिजिकल एक्टिविटीज greatly affect the muscles and the ligaments. Yoga involves a low risk of injury because the poses have a little impact on the muscles and ligaments. Yeah. Barabar. So, what do you understand by this, Balram sir? In yoga, the injury which you are going to get is less because it is slow, steady, rhythmic, controlled, disciplined breathing. When you go to the posture, you open your eyes, you concentrate on the breath, and when you read the posture, you close the eyes and do your pranayama, concentrate on the breath. And the moment is there, the part which is not extended gets relaxed. Each asana has got local effect associated with central nervous system. So, whereas the exercise doesn't have central nervous system, it only affects the body part. It also affects to some extent, actually, the central nervous system. Concentration is not there on the breathing part. Okay. No, but they also do. For example, anything where you're exerting, they tell you to exhale. Yeah. So breathing is also actually there, but it is more rapid breathing actually. Not slow like yoga, but it is more of rapid breathing that they do. Rapid, fast, okay, so to say. And consciously relaxing the part which is done. Yes. So here in yoga, yeah, you're right. You're right. And over a period of time, the practice had taken place, it becomes UCDR, unconscious difference in relaxation. Okay. That has been taught by our Guruji. Yeah. 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 One point which I want to add also here is, you know, जब मैं कुछ जैसे विजय जी को मालूम है मैं कुछ पर्टिकुलर पोज करता हूँ जो अलाइनमेंट के ऊपर बात करती है मेरा स्टार्टिंग का स्टेटमेंट वो कोर्स के अंदर यही होता है कि इस कोर्स की जरूरत नहीं है अगर हम हठ योग कर रहे तो बिकॉज अगर हम हठ योग कर रहे तो इंजरी होने के चांसेस नहीं है वो जब भी क्या होता है जब भी हम बहुत पुश करने लगते हैं या फिर दूसरा और कुछ करते हैं ये भी करना है वो भी करना है डिफिकल्ट वाले बहुत करना है तो थोड़ा सा चांसेस इंजरी के हो सकते हैं नॉट नेसेसरी इसलिए जब मैं वो कोर्स कंडक्ट करता हूँ मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट होता है कि अगर हम हठ योग कर रहे हैं तो कभी इंजरी नहीं होगा Because the body keeps on constantly giving signal कि कितना करना है क्या करना है कितने तक करना है and accordingly we do it. लेकिन आजकल क्या है जमाना कैसा है अरे वो जो धारणा दीजिए ने कल ने जो फोटो डाला था मैंने टेक द क्लास मैंने टेक द क्लास फॉलो द प्रिंसिपल द पतंजलि योग सूत्र स्थिर सुखमासन प्रयत्न चैतन्यम as per your capacity as per your capacity don't exceed your capacity as per your capacity As per your capacity. As per your capacity is given in Hatha Pratipika only. Yatha Shakti Dharayatva. आपको यथा शक्ति करना है तो कहाँ पे हठ प्रतिपिका में कहाँ बोला है कि आपको पुश करना है स्ट्रेच करना है ओवर स्ट्रेच करना है नथिंग इज गिवन देयर नो बट बिकॉज दिस इज अ मॉडर्न टाइम एंड जैसे मैं अभी कह रहा था कि धारणा जी ने फोटो डाल दिया फेसबुक पे वो वृक्षिक आसन जिन पे उनके पैर के अंगूठे सिर को टच कर रहे अब मैं कैसे पीछे रह जाऊं बराबर नेक्स्ट डे मेरा भी तो फोटो आना चाहिए ना फेसबुक पे सोशल मीडिया पे तभी तो लोग लाइक देंगे और फिर मैं विजय जी को बताऊंगा देखो 100 लाइक विजय जी मुझे 100 लाइक्स मिल गए अभी तक तो वरना मेरा वरना संदीप कहां जाएगा सर वो धारणा जी के चक्कर में मैं भी नहीं ये ठीक है सर ये टेम्पररी कंपटीशन होता है ये ठीक है लेकिन 5000 या 10000 साल पहले का जो पतंजलि ने बताया वो आज भी सस्टेन कर रहा है yes. तो कितनी बड़ी बात है ये विजय जी वो पावर योगा वो एक महीने नहीं चल पाया उस वक्त हाँ, हाँ, हाँ. वो हठ योगा जो चल रहा है वो अभी तक चल रहा है और हाँ. आज के 5000 साल के बाद भी चलेगा इसीलिए जब हम हठ योग की बात करते तो इंजरी के चांसेस जो यहाँ पे लिखा ना इंजरी के वो नहीं वत है इंजरी के चांसेस Why? Because constantly as you keep on doing it, your body keeps on telling you, giving signals. भाई इतना ही होगा आज के दिन फॉर एन एग्जाम्पल जब हम सबने जब योग किया तो पहले ही दिन पे क्या हमारा पैर 90 डिग्री पे आ गया था क्या द्विपाद उत्तानासन हो गया था क्या नहीं हुआ था शायद पहले दिन 60 डिग्री पे ही थे फिर प्रैक्टिस करते करते 90 पे आए सो इट ग्रेजुअली मूव्ड slowly moved and in a very safer environment lekin because ye jo social media ka jo trend chal raha hai na ki dhara ji ka pehle hi pair 90 degree pe to mera kyu nahi are dharana ji ki kameez meri kameez se safed bas problem wahan se hi hona shuru okay yes balram ji
you are right actually. Then secondly, next slide you want? Yeah, you can read Balramji. Next slide also. Health and age restrictions in exercise and yoga. Exercise is often performed by people who are in good health, since many of the activities are difficult to do when one is sick. Furthermore, while there are exercises that are older individuals can perform, the more strenuous activities are usually done by younger people. Yes. Yoga can be performed by whether the person is sick or not. There is also no age limit while performing most of the yoga poses. That's why you say in gymnasium, you don't find the people above 45 or 50. People are below 50 and more. And more so, the crowd more is about 20 to 30. 20 to 30 are more crowd. Yes. Nowadays, with the latest concepts of having more proteins, sophisticated protein number and all. So, this is the market. Yes. Whey protein, they say. So, high intake of proteins. High intake of proteins. And there is a chances of the side effect is also. Side effect of the proteins, yes. What do you want the side effects of? What I'm saying is, they don't rely on natural sources from where the protein can be taken. वो powder होता है, powder के साथ साथ काफी बार वो जब मैं शिवानंद आश्रम में था तो मेरे room में एक जो हमारा ये था बड़ा hall जैसा था जिसके अंदर हम सब रहते थे, तो वहाँ पे young लड़का था, he must be around 22 और उसका बड़ा भाई gym चलाता था, and he had come specially for yoga. Why? Because he had taken so much of injections, so much of steroids to build, to enter into competition, that he started having adverse effects of it. Uska blood pressure kabhi normal nahi rehta tha, uska blood pressure high rehta tha because of steroids that he had taken. And then he had come to yoga so that he can come back slowly to normal. So, kaafi baar hum khane peene ke chakkar ke naam mein bhi bahut kuch aisi cheez gym ke andar le lete jiski thodi si adverse effects ho sakti hai, Balram ji. Yeah? क्या बलराम जी? या नो विजय जी, दो स्लाइड और बाकी है, 11 और 12. सावन सर को बोलते हैं सर. You want me to talk on this age? Yes, yeah, you are young, what you will talk? I mean you are not sir. Stress Sawan sir. Yes sir. 71 years only. yes sir. More active than 40 years old. That is true. But you said your age is what, 36, you said, no, last time in the class? no, 71. Acha, one more personal question was there. See, I've been practicing that left side of plank because of scoliosis, okay? Left side of plank. Yes. But scoliosis came, when you in that posture, that left side is there, when you do the breathing, yeah. Look at the gravitation force, it will still come down, no? It will still go to the left side, no? Because of gravity. So what is happening here, Balram sir? When we are doing, we are not moving at all. We are steady. Steady. There is no movement. Initially, there were two parts which I told last time. First was to move and slowly. Why movement? To go in the final position. So that initially only when we are taking final position, we are not finding it difficult. We are initially doing a kind of little movement, like going down and coming up, so that we know where exactly we need to go, and the body gets used to go there in the final position. Once the movement, like 2-3 times we move, and then we become steady, then we don't move at all. We have to also maintain, there steadily for a little longer. Huh? Param sir. Doctors are told, anatomically, this may remain steady. Sorry. This may remain steady. Further, it will not aggravate. Yes. Further, it will aggravate. See what happens, Balram sir. This what we have got has not happened in 1 month or maybe 1 year. This may have taken a very long time to come to that posture. Yeah. So, what we can do is we can at least do these kind of practices which can help us not to go beyond this what we are facing now. And second thing is, it can at least jitna thoda bhi reverse ho sakta hai, to wo to ho sake. थोड़ा भी भले वो पूरा सीधा नहीं होगा बलराम सर, बट एटलीस्ट जितना है उससे भी थोड़ा सा भी बेटर हो जाएगा, दैट विल बी बेटर नो फॉर अस, बट दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम बलराम सर. दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. सॉरी, दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. इट विल टेक अ लिटिल एज प्रॉब्लम. या एज प्रॉब्लम. एंड आल्सो व्हाट हैपेंस इन स्कोलियोसिस, एज यू राइटली मेंशन, एज
if it would have been detected earlier, we could have come out of it also faster. Yeah, but when this curvature is there for, if it's there for very long time, it will also take some more time to come back. Yeah, sometimes because of what happens as we age, the degeneration happens in the vertebrae. So that also plays a very important role, that it cannot come fully, and maybe it will at least with practice, we are ensuring that it will not aggravate further. In the Zoom meeting with the doctors, one of the spine surgeons from Bombay Hospital, Dr. Avinash Kulkarni. Okay. Not much scoliosis as you expect. And there will not be any further harmful for any vital organs like the heart and the lungs. Yes. Okay. There will not be any, I was worried about that. There will not be a vital organ, because that should have been taken at age of between 40 to 50 or 50 to 60. You are past this stage, now there will not be any problem. Now you have to maintain that. Bas. Fine. Okay, sir. Aage badhte hum log. Fine. Yes. Okay. Savan, sir, please. Okay. Effects. Goal oriented versus process oriented. Vijay, 11th wala. Haan, 11th wala hai kya? Sorry. Effects on joints and in exercise and yoga. Effects on joints in exercise and yoga. Exercise. Most physical exercises have the tendency to overwork the joints, which can result in stiffness or rheumatism as the person grows older. Yoga has no adverse effect on the joints. Yes. Why? Because here the yes, Savan sir. Yoga has no adverse effect on the joints because the movements are fully controlled and slow. Yes. So there is no risk of any injury. Yes. But in exercises, the movements are uncontrolled and fast. We can't stop at that moment when we feel that the joints are getting some problem. So the exercise has some joint difficulties or stiffness or other injuries, but in yoga there is 100% precautions for that injuries. Injuries are minimum in yoga, in fact, not at all in yoga. Why, sir? Some very challenging things without supervision and doing it not from the principles of yoga, very fast, very hurried, and so on and so forth. If the yoga is done properly, no injury can happen. No. Yeah. 12th. Kaun baki isme se mujhe lagta hai. Vushali ji, Kalpana ji. Vushali ji, aap padhoge? Yes, sir. Goal oriented versus process oriented. Exercise is goal oriented, which is why most activities are very competitive. In yoga is the most competitive, since it is more focused on the process. Not the immediate goal, but the final goal, which is samadhi, is where our ultimate goal is. So it's a process of evolve a little slowly so that we can finally reach the final goal. And इसलिए काफी बार क्या होता है कि लोग जब बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं और इमीडिएट एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं योग के अंदर, नहीं इतना तो होना ही चाहिए, ये 10 दिन में इसको मुझे इतना, ये मेरा अच्छा दिखना ही चाहिए, बाइसेप तो होना ही चाहिए, तो वो नहीं हो पाता इतना. लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप थोड़े टाइम और करो तो डेफिनेटली जो आपके गोल है वो अचीव हो सकते हैं. एंड दैट्स अ रीजन व्हाई वो योग बहुत गोल ओरिएंटेड नहीं है कि भाई ऐसा करूंगा तो ऐसे ही होगा. ऑफ कोर्स होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, बट द फाइनल प्रोसेस इज द फाइनल थिंग इज विच इज समाधि. And how you go towards that, which is the process, is more important. The process. Okay. Vrushali ji, aap hi padhna. Muscular system pe exercise ki aur yoga ki kya impact hai? Aap hi padhna. Yes. Muscular system, exercise. Exercise usually focuses on increasing muscle mass. As a result,
the length of the muscles shortens and flexibility decreases. When we exercise, we use a lot of energy. Okay. And in yoga, it helps develop muscles evenly over the bone surface, thereby increasing flexibility. Yoga is also an energy efficient activity. बहुत इजी है, बहुत समझाने की इसमें कुछ जरूरत नहीं है. एक थोड़े टाइम पहले शायद एक आध साल पहले वीडियो आया था कि दो तीन जिम वाले लोग हैं वो योगा करने के स्टूडियो में आते हैं, फॉरेन का कोई वीडियो है. तो उसके अंदर क्या होता है, टीचर है ना पीछे उसके बैक पे एक स्टिकर लगा देता है और उसको बोलता है अब निकाल के दिखा दू. अब उसका हाथ कैसे उठ, वो हाथ जा ही नहीं रहा है बिकॉज इतना बल्क है मसल का. ही इज ट्राइंग हार्ड टू डू, यहाँ से हाथ नहीं जा रहा है, यहाँ से हाथ नहीं जा रहा है. सो देन it was like how when we talk about yoga, the body becomes much more flexible, strength is achieved and so on, jo humne pehle bhi discuss kiya hai. Yeah, and muscles ke upar kafi baar exercise ke andar zyada exhaustion aata hai, injury ke chances hai, expenditure energy ke zyada hai. Yoga ke andar wo bahut minimum hai, there is minimum expenditure of energy, and that's the reason why jab hum breathing karte hai, breathing is nothing but an energizing technique which can help you to energize further in fact. Yeah. और क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर माइंड से भी जाती है, मन में कोई विचार आएगा या मन में कुछ उथल पुथल होगी तो वहां पे भी जो एक्सपेंडिचर होगी एनर्जी की, तो वो भी मन शांत होने लगता है तो वहां की भी एक्सपेंडिचर कम हो जाती है अपने आप. पुरुषाली जी आप इसके बाद का नेक्स्ट स्लाइड भी पढ़ोगे, हार्ट वाला. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट योगा हाउ इट हेल्प्स टू इवनली ओवर द बोन सरफेस, मतलब वो कैसे डेवलप. सो कैसा होता है, कैसा होता है, फॉर एग्जांपल मैंने ये मेरे पास डंबल है राइट. अब मैं ये कर रहा हूँ बाइसेप कर्ल जिसको कहते हैं वो कर रहा हूँ. अब क्या होगा, योग के अंदर है ना जब मैं ये करता हूँ बहुत बार रिपीटेडली तो मेरे मसल्स थोड़े शॉर्ट हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे. सो फ्लेक्सिबिलिटी अचीव नहीं होगी, मसल स्टार्ट्स गेटिंग शॉर्टर आफ्टर दे आर यूज. योग के अंदर उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, योग के अंदर मसल बिकम्स लिटिल लॉन्गर. सो व्हेन वी से लॉन्गर मीन्स क्या, लॉन्गर मीन्स डजंट मीन आउट ऑफ प्रोपोर्शन. लॉन्गर मीन्स जितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए वो लेंथ रहेगी उसकी. जिम के अंदर एक्सरसाइज के अंदर उसकी लेंथ कम हो जाती है, दैट्स द रीजन व्हाई लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू जिम दे आर वेरी स्टिफ बिकॉज़ द मसल्स आर शॉर्टर. बट इन योगा इट हैपेंस एग्जैक्टली ऑपोजिट, वो थोड़ी मसल लॉन्ग हो जाएगी. जब मैं लॉन्ग कहता हूँ ना यहाँ पे वृषाली जी, लॉन्ग मीन्स नॉट ओवर लेंथ, लॉन्ग मीन्स कि उसकी जो लेंथ जितनी होनी चाहिए वो रहेगी, वो इट विल नॉट बिकम शॉर्ट. व्हाई आई एम स्पेसिफिकली यूजिंग दिस वर्ड वृषाली जी, बिकॉज काफी बार हम जैसे पहले क्लास में जब हम दो बोन को कनेक्ट करने वाली जो जिसकी बात कर रहे थे वो लिगमेंट, सर आवाज नहीं आ रही, नहीं होता लेकिन योग के जबर के अंदर. अब मुझे सुनाई दे, क्या आप मुझे सुन सकते हो वृषाली जी? यस सर, नाउ आई कैन हियर. हेलो, यस सर आई कैन हियर नाउ. तो क्या होता है कि जब योग की बात करते हैं, योग की बात करते हैं और डिफिकल्ट ये जबरदस्ती वाले की बात करते हैं, स्ट्रेनियस वाले की बात करते हैं, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द जॉइंट जो दो जॉइंट को कनेक्ट करता है विच इज द लिगामेंट, वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है. और बहुत जबरदस्ती करते गए सालों साल करते गए तो जो स्टेबिलिटी के लिए बना है लिगामेंट वो अब स्टेबिलिटी के लिए नहीं काम आ रहा है बिकॉज वो खुद इतना स्ट्रेच हो गया है कि नाउ दिस जॉइंट हैज बिकम अनस्टेबल. इट्स कॉल्ड फ्लिपी फ्लॉपी जॉइंट्स, अनस्टेबल जॉइंट. सो जब हम बराबर योग करेंगे, हट योग की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल योग की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो मसल की जितनी लेंथ होनी चाहिए वो स्टेबल रहेगी. स्ट्रेच रहे, आप स्ट्रेच कर रहे ना आसन के अंदर, तो जब स्ट्रेच होके वो रिलैक्स आएगी तो नॉर्मल पे आएगी. जिम के अंदर वो शॉर्ट हो जाएगी और कम हो जाएगी. या ओके, सो विद रेगुलर प्रैक्टिस दैट्स व्हाई आवर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीजेस, नॉट द मसल टोन और लाइक एनी शेप्स दे आर नॉट टेकिंग, बट द फ्लेक्सिबिलिटी इज इंक्रीजिंग. Flexibility and strength also. Yes. Thank you, sir. Okay. Kalpana ji. Ji, sir. Yes. अरे क्या बात है, जबरदस्त. Kalpana ji. ये sir ये एकदम खतरनाक है यार, एकदम आसन बिसन करने के लिए पूछो मत. Kalpana एकदम. बोले ना sir. Yes. ये पढ़ना है आपको, द हार्ट एक्सरसाइज एंड योग. मुझे तो दिख ही नहीं रहा कुछ है. हाँ है, ऑर्डिनरी एक्सरसाइज पुट अ स्ट्रेन
on the musculars, this increase the speed of blood circulations and blood pressures. Ek minute, sir. Yeah, yeah. Which in that turn increase the workload on the heart as this needs to pump faster. Exercise. Yep. And yoga, in yoga, once the asana has been attained, the body is relaxed and blood requirement is reduced. This relieves the stress on the heart. So, kya samjhe? Exercise and yoga ke differences hain. हाँ, क्या है वो difference? अच्छा बताना पड़ेगा. Of course. Okay, ordinary exercise puts stress on the muscles. जो हम exercise जो करते हैं इसे strength and muscles के लिए होता है, right? Increase the speed of blood, increase होता है इसके अंदर blood circulations and blood pressure, right? Which is the increase in workload on the heart and needs to pump faster. यानी exercise करते तो heart को और blood circulation बढ़ जाएगा तो heart को और fast काम करना पड़ेगा उस राइट उससे हार्ट बीट हमारा फास्ट हो जाता है अलग होता है हाँ जी फास्ट हो जाता है सर्कुलेशन बढ़ जाता है हैज बी अटेंड हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है राइट योग में बॉडी इज रिलैक्स एंड ब्लड रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड द रिलीज स्ट्रेंथ ऑन द हार्ट मतलब एक्सरसाइज से जस्ट अपोजिट योग होता है जहाँ पे वो प्रेशर में आके काम करता है वहाँ पे योग हमारा एकदम काम कूल और रिलैक्स पोजिशन में हमको योग लेके जाता है बिकॉज क्या होता है कि ब्रीदिंग स्लो होती है ब्रीदिंग फास्ट होगी तो हार्ट को भी ज्यादा पंप करना पड़ेगा बराबर इधर ब्रीदिंग थोड़ी स्लो हो जाती है तो हार्ट भी थोड़ा सा फास्ट नहीं होता नॉर्मल रहता है और काफी बार हार्ट की स्पीड भी थोड़ी सी स्लो हो जाती है Right. आप सेकंड स्लाइड भी पढ़ोगे उसके बाद की इम्यून सिस्टम है आई थिंक रेस्पिरेटरी सिस्टम वही हम जो अभी बात कर रहे थे हार्ट और ब्रीदिंग का कनेक्शन द कंस्टेंट मूवमेंट इज रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन द मसल्स दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ ब्रीदिंग कॉजिंग द लंग्स टू द वर्क हार्डर इसलिए जब जिम करते तो ब्रीथिंग बहुत हैवी होती है ब्रीथिंग हैवी होती है यस ओके यस इन योगा द बॉडी इज रिलैक्स स्टेट सो द वर्कलोड ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिड्यूस्ड सेम उसका सेम हार्ट जैसा है वैसे हार्ट को पंपिंग कम है तो ब्रीदिंग को भी थोड़ा सा कम स्ट्रेन है लंग्स को भी कम स्ट्रेन है तो स्लो हो जाता है याद रखना है सब लोग के लिए मेरे लिए भी है We are here to learn. Okay. When I say we are here to learn, there is nothing right and wrong. काफी बार हमको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं बोलू नहीं बोलू क्या सोचेंगे ये सबसे बड़ा रोग है क्या सोचेंगे लोग So बिंदास जितना हम कर पाएंगे we don't have to worry. And in this particular space that we are into, we can make mistakes and learn. हाँ Okay. अब कौन एक last दो slide है एक immune system की slide है और स्वाति जी और एक अर्चना जी स्वाति जी अभी इसका तो बहुत चर्चा हो रहा है लॉकडाउन से सो लॉकडाउन में तो इम्यून सिस्टम बढ़ाओ बराबर ना सब लोग यही बोल रहे थे क्या स्वाति जी अरे बड़े बड़े ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं इसके ऊपर इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए सच में क्योंकि मैं बहुत जो मैं तकरीबन 8-9 महीने से सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो गया हूँ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा वेरी गुड Detached with through. नहीं अभी आना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा तो मैं भी तो देखूं कि धारणा जी कौन से वृक्षिकासन कैसे कर रहे हैं वो भी तो देख लूं मैं Exercise boosts the immune system by increasing the number and functioning ability of immune cells. It usually depends on the nature, intensity and duration of exercise. Right form of exercise, Swati ji, will always increase our immune system. Yeah. The only thing is, यहाँ पे नीचे एक line में लिखा है, it usually depends on the nature, intensity and duration. जैसे अगर वो बहुत हो गई, तो it can affect our muscular system, it can affect our nervous system, it can affect our so and that's the reason why sometimes we because of this fatigue, our immune system can also become weak.
बट यूजली जो लोग जिम जाते हैं, जो बराबर से ट्रेनिंग करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है एक्सरसाइज के कारण. एक्सरसाइज के अपने ही कुछ अलग फायदे हैं. Yoga boosts the immune system by increasing the number and functioning ability of immune cells. Same है. लेकिन क्या है कि योग के अंदर जैसे किसने कहा था, ये सरस्वती जी ने कहा था कि भाई शुद्धि क्रिया भी तो होती है, क्लेंसिंग भी तो होता है. सो क्लेंसिंग अगर अंदर से सब कुछ साफ होगा तो हमारी इम्यून सिस्टम भी तगड़ी होगी. या ओके लास्ट वन मोर स्लाइड अर्चना जी. हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? अर्चना जी, ऐसा लग रहा था कि आप वो जो पॉलिटिशियन आते ना माइक पे. अच्छा, आवाज आ रही है मेरी, आप सुन सकते? हाँ, देन यू स्टार्ट. या सॉरी, थोड़ा बीच में थोड़ा सा ऐसे, जस्ट टू. ठीक है सर, एक स्लाइड और ऐड करिएगा सर कि योगा डे मनाते एक्सरसाइज डे नहीं. हाँ, लेकिन अगर लेकिन हाँ, एक्सरसाइज डे ओके, आप वैसे बोल रहे हैं इंटरनेशनल योग डे है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सरसाइज डे भी होगा कहीं ना कहीं, डेफिनेटली होगा वो. होगा डेफिनेटली वो. अच्छा, अभी स्ट्रेस लेवल एक्सरसाइज में एक्चुअली इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल इन द बॉडी बिकॉज द बॉडी प्रीसीव एक्सरसाइज परसीव एक्सरसाइज एज स्ट्रेस. मतलब कि इसमें कॉर्टिसोल का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें स्ट्रेस लेवल, मतलब कोई भी चीज जोर लगा के करना, बहुत ज्यादा मेहनत करके करना, वो लोग थक भी जाते हैं मेंटली भी और फिजिकली भी. तो कॉर्टिसोल लेवल को थोड़ा बढ़ाता है एक्सरसाइज. और योगा रिड्यूस द कॉर्टिसोल लेवल इन द बॉडी. कॉर्टिसोल इज हार्मोन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल दैट लिंक विद परसीव स्ट्रेस. दैट्स द रीजन व्हाई योगा कैन बी अ, कहते हैं ना, स्ट्रेस बस्टर. अगर आप सही ढंग से योगा करोगे तो आपके सारा तनाव, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, उसको वो निकाल सकता है. एंड एक्सरसाइज ऐसा जरूरी नहीं है कि यही है. जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन यू वॉक, देयर आर सर्टेन हैप्पी हार्मोन्स दैट आर रिलीज्ड व्हिच कैन हेल्प यू टू डू दिस रेगुलरली एंड यू फील बेटर ऑल्सो एक्चुअली विथ वॉक और विथ एक्सरसाइज. एनीथिंग व्हिच इज ओवरडन that can have, anything which is overly exerted can have this increased level of cortisol and so on. Yeah, okay. Now I have one question. Next slide, I think, which is to be continued. Yeah, huh? To be continued. Next time jab hum milenge, aapko kuch baat nahi karni hai. Ab next class mein baat main hi karunga.